प्रमुख और उप प्रमुख पद के खिलाफ लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। सिवान जिले के मैरवा प्रमुख वीरेंद्र भगत और उप प्रमुख चंदा देवी के खिलाफ लगा अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। निर्धारित बैठक में 12 पंचायत समिति सदस्यों में केवल 5 पंचायत समिति के सदस्य ही उपस्थित हो पाए, जिसके बाद प्रमुख और उप प्रमुख की कुर्सी बरकरार रही। कार्यपालक पदाधिकारी सब बीडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तय विशेष बैठक में उप प्रमुख सहित 4 बीडीसी सदस्य ही उपस्थित हो पाए। पर्यवेक्षक सह डीसीएलआर शहबाज खान की मौजूदगी में निर्धारित समय से 3 घंटे इंतजार के बाद 12 बीडीसी सदस्यों में केवल 5 बीडीसी सदस्य उपस्थित हुए। प्रमुख सहित 6 बीडीसी सदस्य उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद क्षेत्र संख्या 11 के अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन बीडीसी सदस्यों की उपस्थिति नहीं होने से बिना मत विभाजन के अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद समर्थकों ने प्रमुख वीरेंद्र भगत को फूलमाला से स्वागत किया। प्रमुख वीरेंद्र भगत ने कहा कि वह हमेशा सम्मान के साथ सबको साथ लेकर विकास में विश्वास रखते हैं। आपको बता दें कि कई आरोप लगाकर 30 दिसंबर को प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ बीडीसी सदस्यों ने अविश्वास लगाया था, जिसमें 12 सदस्यों में 7 सदस्य को प्रस्ताव में भाग लेने के लिए शामिल होना था, लेकिन निर्धारित समय में सदस्यों की उपस्थिति नहीं होने से कार्यपालक पदाधिकारी ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आज मैरवा में अविश्वास प्रस्ताव लगा था, तो ये आज प्रक्रिया होना था, क्या हुआ सर? जी, आज सुबह 11:30 से 2:30 बजे का टाइम था, तो कुल 5 लोग जो है टर्नआउट हुए, कुल 12 जो है पंचायत समिति सदस्य हैं। प्रमुख उपप्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लगा था, तो जो कि 7 टोटल संख्या होना चाहिए था, जो टर्नआउट नहीं हुआ उसके चलते एक तरीके से खारिज हो गया है। तो जो प्रमुख और उपप्रमुख थे, तो यथा स्थिति जिस तरीके से थे वो बरकरार रहेंगे। कितने अविश्वास प्रस्ताव लगा तो कितने लोग पहुंच पाए थे यहाँ? आज 5 लोग थे, कुल उप प्रमुख थी उपस्थित और साथ में 4 और पंचायत समिति सदस्य थे, कुल 5 लोग थे। कुछ पूछना है? इसमें आज ये 6 सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव 30 तारीख को लगाया गया था। सभी को नोटिस जारी कर दिया था कि भाई 11 बजे से प्रखंड कार्यालय मरवा के सभाकक्ष में अविश्वास पे प्रमुख और उपप्रमुख की चर्चा होगी, जिसमें आज केवल 5 ही लोग उपस्थित हुए उप प्रमुख सहित। और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो हमारे यहाँ कुल सदस्यों की संख्या थी 12, जिसमें 7 होने चाहिए थे मतदान कराने हेतु, लेकिन 5 ही लोग पहुंचे, जिसके कारण मतदान की प्रक्रिया नहीं की गई। और सीधे जो हम लोगों ने जो प्रस्ताव लाया गया वो खारिज हो गया, और यथावत प्रमुख उपप्रमुख ने पद पर दोनों के लिए हाँ बिल्कुल दोनों पे लगा, अलग से दोनों पे चर्चा हुई। और नियम था क्या कि अगर प्रमुख और उपप्रमुख अगर अनुपस्थित रहे, अगर दोनों पे लगता है अविश्वास, तो सदन के बीच से ही जो सबसे बड़ी या सर्वसम्मति से जो सदस्य है वही बैठक की अध्यक्षता किए। इंग्लिश पंचायत के अनिल कुमार सिंह बैठक की अध्यक्षता किए और उन्होंने अपना विचार रखा, सदस्यों ने भी अपना विचार रखा, और अंत में कम उपस्थिति यानी 5-7 होने चाहिए थे, 5 होने के कारण ही इसे मतदान की प्रक्रिया नहीं हुई, और उन्होंने प्रमुख और उप प्रमुख पर जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा उसको खारिज कर दिया, पारित नहीं हुआ और वे अपने पद पे यथावत बने। धन्यवाद। मैरवा प्रखंड में प्रमुख और उप प्रमुख दोनों पर अविश्वास लगा था, समिति के सदस्यों ने लगाया था, यह उन लोगों के क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन सूझबूझ का देन है कि ब्लॉक प्रमुख भी वहीं रह गए वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, और उप ब्लॉक प्रमुख जो है चंदा देवी वहीं बरकरार रह गई। अब रही बात कि यह सारे समिति के सदस्य जीतने हैं, वो लोग बड़ी सूझबूझ से विवेक से काम लिए, इसलिए ऐसा हुआ है। डीसीएलआर साहब जो कि यहाँ चुनाव के पर्यवेक्षक थे, उनसे बात हुई तो वो बोले कि 7
सदस्यों को यहाँ पहुँचना था तो पांच ही सदस्य यहाँ पर पहुँच गए, तो इसके पीछे क्या मतलब कितना रणनीति बनाया था, क्या क्या हुआ था? देखिए इसमें कोई रणनीति नहीं है, यहाँ पंचायत समिति के सदस्य 12 हैं, सरकार गिराने में 1/3 लगता है, तो 5 लोगों ने मिलकर सरकार को गिरा दिया। लेकिन बहुमत सिद्ध करने के लिए 7 लोगों की जरूरत पड़ती है, 7 लोग नहीं पहुंचे, इसलिए पंचायत समिति के सदस्य मात्र 5 ही पहुंचे, इसलिए प्रमुख भी बरकरार रह गए और उप प्रमुख भी बरकरार रह गए। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव करने को मौका मिलता है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रमुख हैं आप वीरेंद्र कुशवाहा जी, इन्होंने अपने से ही मतलब इस अविश्वास प्रस्ताव की बात कही थी? नहीं, कालिदास वाला कहानी यहाँ नहीं। देखिए कोई नहीं चाहता है कि हम जिस कुर्सी पर है उस कुर्सी से हटे, हमारे सदस्यों ने लगाया, कहीं मेरा उस पर देख लीजिएगा सिग्नेचर नहीं है ना कहीं कुछ है, सदस्यों ने लगाया, सदस्यों ने के प्रेम और मोहब्बत हमको फिर कुर्सी पर बैठा दिया। 2 साल आप रहे हैं प्रमुख और आगे भी निरंतर 3 साल रहेंगे, तो क्या कहेंगे मैरवा की जनता को इस खुशी के मौके पर? देखिए इस खुशी के मौके पर मैरवा के जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और मैरवा में जितने पंचायत समिति के सदस्य हैं उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो बड़ी सूझबूझ से काम लिया। आज बहुत लोग ब्लॉक गेट पर खड़े थे, हमने देखा कि किसी को कुछ खेमा था तो किसी को कोई खेमा था, लेकिन पुनः सारे लोग रह गए तो लगा कि कोई खेमा नहीं था, सब कुछ मतलब सब कुछ सामान्य रहा। चलिए मैडम, 6 बार परिचय दे दीजिए। मैं वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, प्रखंड प्रमुख मैरवा। इस बात को लेकर के कितना खुशी है आपको जो अपने कार्य पे अपने सीट पे? मैं अपने कार्य पर संतुष्ट था, इसलिए सदस्यों ने फिर हमको पुनः लाया, नहीं तो मान लीजिए जो प्रमुख गिर जाते हैं फिर दोबारा ऐसा नहीं हुआ है। बैक का भी मैरवा का हिस्ट्री यही रहा, ये 2.5 साल ही लोग चला पाए, लेकिन हमने 5 साल रहेंगे यह तो कन्फर्म लोग कर ही दिए, और रहेंगे तो एक चीज और बोल देना चाहते हैं आप लोगों के सामने, जे पूरे ईमानदारी और निष्ठा से रहेंगे, इसमें कोई न शक है ना कोई बहस है इस पर, और सारे समिति जो मेरे विरोध में है वो, जो पक्ष में है वो, सबको एक समान लेके चलेंगे।